हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर फोर प्रैक्टिस शीट फोर्थ का 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर द 50% कंप्लीशन। टी 50% हमें गिवन है, मतलब हमें हाफ लाइफ गिवन है बेटा। इस रिएक्शन की हाफ लाइफ है हमारे पास 30 मिनट। हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है फॉर द 90% कंप्लीशन। तो यहाँ पे देखोगे बेटा, आपको हाफ लाइफ गिवन है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है हमारे पास 0.693/k। तो यहां से मुझे k निकालना है, k फाइंड आउट हो जाएगा 0.693/t½ या t 50%, तो वो आ जाएगा 0.693/30 per minute। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल के एक बार एज इट इज छोड़ देता हूं। अब देखो, हमें कैलकुलेट करना है t 90%, यानी कि हमारी रिएक्शन जो है वो 90% कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यहां पे बोलेंगे, लेट इनिशियल कंसेंट्रेशन इज ए मोल पर लीटर, अमाउंट रिएक्टेड हमारे पास है 90% ऑफ ए। तो हमारे पास हमारी फाइनल कंसेंट्रेशन आ जाएगी ए माइनस एक्स, ए माइनस 90% ऑफ ए। तो यहां पे आ जाएगा a माइनस 0.90a, मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फाइनल कंसेंट्रेशन आ जाएगी 0.10a। अब हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन है, फाइनल कंसेंट्रेशन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, तीनों पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो t 90% हमारे पास आएगा 2.303/k log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। तो हमारे पास आएगा 2.303, k की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर रहा हूँ, 0.693/30 log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन है a, फाइनल है हमारे पास 0.10a। a से a कैंसिल, डेसिमल हटाऊंगा तो 100, 0 से 0 कैंसिल, तो आ जाएगा log 10। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया t 90% 2.303, 0.693, ये 30 डिवाइड में था, ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, लॉग 10 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जब आप सॉल्व करोगे तो t 90% आ जाएगा 99.69 मिनट्स। यहां पे हमने 90% कंप्लीशन के लिए टाइम को कैलकुलेट कर लिया और यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।